देखिए बाप तो गाइस फाइनली आज मैं अजमेर शरीफ में एक आप लोगों को ऐसी जिंदा करामत दिखाने जा रहा हूँ जो कि दीवार में आप देख सकते हैं कि बाबा जान की परछाई दिखाई दी दीवार के अंदर। ये चीज़ मीडिया में भी आया हुआ है और 2014 की करामत, ये जिंदा करामत हुई है। तो ये दरगाह कहाँ पर और कैसे जा सकते हो तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना, समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि जैसे कि आप लोगों को पता है आज तकीनकी सरकार का उर्स है, तो जाते हैं आप लोगों को तकीनकी सरकार का उर्स दिखाते हैं और कैसा माहौल है नज़ारे कराते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मेला लगा था, चल देख सकते हो मेला लगा था, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। ये देखिए पूरा या नीचे भी मेला है, ऊपर भी मेला है। ये देखो अजमेर की गलियां, नहीं अजमेर की गलियां, ये पूरा दुकान लगे थे, पूरा मेला लगा था, पूरा हट चुका है अभी। ये देखिए यहाँ पर पूरी दरगाह में मेला चल रहा है, तकीनकी सरकार का भी मेला चल रहा था। ये देखिए खूब लंगर हुआ, चला चला। यहाँ पे देखो फूल उल की दुकानें लगी है। ये देख सकते हो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं वहाँ ऊपर से, वो ये वाला जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला रास्ता ऊपर जाता है दरगाह की तरफ, तकीनकी सरकार की तरफ। दूसरा मेला भी यहाँ पे नीचे चल रहा है, लंगर चल रहा है अंदर। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले सुंदर पेश हुआ है। गाइस फाइनली आज दादा मुराद अली शाह का भी उर्स है, तो मैं आप लोगों को कैमरा घुमा करके दिखा देता हूँ कैसा माहौल है। काफ़ी खूबसूरत माहौल हो चुका है, तो चलो दिखाते हैं कैमरा घुमा के। ये देख सकते हो यहाँ का शाम का माहौल, और तकीनकी यार हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि शाम ज़्यादा हो गई है। अगर वहाँ पर जाएंगे ना तो हम लोग अंधेरा हो जाएगा और वहाँ पर रास्ता बहुत ख़तरनाक है, इसलिए अभी वहाँ नहीं जा रहे। अगली बार जाएंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे आप लोगों को। अभी दादा मुराद अली शाह की दरगाह दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ का माहौल, जो असल तैयार होती है वो डेग अभी फिर से तैयार हो रही है। ये देखिए लंगर बन रहा है, और ये लंगर बनेगा सब में बटाया कहते नहीं। ये देखिए जूते देखिए, ये लो आपको दादा मुराद अली शाह दरगाह दिखा देते हैं। ये देखिए बाबा मलंग लोग आ चुके हैं, ये धोनी का टाइम हो चुका है। ओ सॉरी भाई छोटू सवाल के सॉरी। देख सकते हो दादा मुराद अली शाह दरगाह है। तो गाइस पानी आज मैं यहाँ तकीनकी सरकार तकीनकी सरकार का मैं ब्लॉग शूट करने जा रहा था, पर रात ज़्यादा हो गई तो उधर मैं जा नहीं पाया किसी कारण से, क्योंकि वहाँ रात हो गई है तो शाम हो गई तो रास्ता बहुत खतरनाक है, आते समय हमारी तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम लोग आए इनका भी उर्स है आज, हजरत सैयद दादा मुराद अली शाह दरगाह है ये, और इनका भी उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पूरी चादर आती मलंगों की।
तो कुछ हमारे सहयोगी है जो ऊपर गए थे उनके पास वीडियो उनसे लेकर के कुछ मेरी वीडियो करके कैप्चर आप लोगों को दरबार शरीफ की दीदार कराते हैं, याद कराते हैं जो कोई किसी कारण से नहीं आता। यहाँ देख सकते हो कितने हमारे मल्लन बाबा लोग हैं, ये देखिए ये हर साल आते हैं और हर कई दरगाह जहाँ पे स्टार्ट हो जाता मेला तो हर कई पैदल जाते हैं। तो भाई ये गरीब नवाज सरकार का प्यार है, गाँव से जो वीडियो को देखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगता है। तो अभी लंगर भी आपको बन रहा है, दिखाते हैं और खिलाते भी हैं। हर साल की तरह इस साल भी बाबा मुराद में ये हमारे मलंग लोग आए, क्या बात है बाबा, कैसे सब खैरियत? ये हमारे मलंग लोग पैदल आते हैं, छड़ी लेकर आते हैं और जब भी दरगाहों का उर्स चालू हो जाता है ये देखिए। हाँ सलाम अलैकुम बाबा, कैसे हो खैरियत? अरे बाप रे बड़े चीटे, इधर देखो। तो यहाँ देख सकते हो ये सारे मजारत मौजूद है यहाँ पर, और ये देखिए चीटों का तातार लगा है, क्या बात है, संभल के जाना पड़ेगा। ये दरबार शरीफ, ये हमारे मलंग लोग जो हमेशा आते हैं छड़ी लेकर। तो गाइस फाइनली आज मैं मौजूद हूँ सैयद दादा मुराद अली शाह दरगाह में, और यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग जो मिले मकीरा खेड़ा सोमलपुर रोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मदरसा बाबा का भी चिल्ला का रोड जाता है। तो अब मैं इनसे बात करूँगा जो यहाँ के खादिम मौजूद हैं। तो भाई यहाँ पर अभी कौन कौन सा कार्यक्रम क्या क्या हो रहा है भाइयों? अभी तो भाई यहाँ लंगर बन रहा है जी, तो हम सुबह पब्लिक को खिलाएंगे जी, और ये बनता है गांव वालों की तरफ से, आम आदमियों की तरफ से। अच्छा, किसी का कुछ भी नहीं होता है, जो अपनी मर्जी से देना चाहे वो दे सकता है। जी जी जी, ये लंगर बन रहा है और अभी रात भर यहाँ पे कवाली होगी। अच्छा, उसके अंदर कवाल आएंगे। हाँ, वो अपनी कवाली पेश करेंगे पब्लिक के सामने। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और ये साल में एक बार ही आता है। क्या बात है, तो मतलब ये कि इनका जो उरूस है आज से स्टार्ट हो जाता है जी? इनका उरूस मतलब 4 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है जब झंडा छटता है। अच्छा, तो आज जो है ना वो मेन रात होती है, जैसे कि जो कवाली महफिल है, महफिल होती है। तो आप ये कह सकते हैं रजब की मतलब चांद की कितनी तारीख से स्टार्ट हो जाता है? ये चांद की अपनी रजब की तारीख होती है 16, और अपने उरूस स्टार्ट हो जाते हैं 19 तारीख और 20 तारीख। 19 तारीख को अपने महफिल का प्रोग्राम रहता है, रात महफिल होती है और कई दूर दूर से पब्लिक आती है यहाँ। तो 20 तारीख को कुल की रस्म निभाई जाती है, 20 तारीख को कुल की रस्म अदा की जाती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी क्या क्या हो रहा है मुझे दिखा दो थोड़ा सा। आइए अभी यहाँ चद्दर पेश हुई है जी, इसमें के बाहर की पब्लिक भी आई है जी, और जो भी जितने भी बाबा लोग हैं जो सब है वो सब आए हैं जी, और उन्होंने चद्दर पेश किए, फातिया लगी है जी। और अब यहाँ ये दरगाह के खादिम है सब, ठीक है जी जी। ये दरगाह है, यहाँ पर भी खिदमत चल रहा है और अभी यहाँ पे चद्दर पेश हुई है। तो ये अभी जो संदल आया था अभी जी, तो उनके मस्तान मलंग लोग जो लेके आए थे अभी जी जी, छड़ी मुबारक उसके साथ में पेश की गई जी, उसके साथ में पेश जी 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 जी। खिदमत को अंदर किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या चीज़ है? ये चिराग है। तो ये बाबा चिराग रोशन कर हो रहा है, तो ये कौन जलाते थे और अभी कौन जला रहे? पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना जी, वो जलाते थे, और अभी हमारे जो सलीम बाबा है जो यहाँ की देख रेख के लिए है अभी वो जलाते हैं इस चिगरे को। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिजरा शरीफ, हाँ आपको एक खास बात हो, ये तो आप तो हमारे साथ मौजूद है जावेद भाई, तो मैं इनसे ये जानूंगा जो सैयद दादा मुराद अली शाह उनका जो सिलसिला है वो किन के जानिब से चल रहा है और यहाँ पर बाबा जान की कौन कौन सी करामत हुई है। ये जो हजरत सैयद दादा मुराद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं जी, ये मदारी सिलसिले से हैं, मदारी सिलसिले मजार पाक, जिनका मजार मक्कलपुर शरीफ में है जी, उनके सिलसिले से हैं आप जी। और ये जो करिश्मा है ये जी, ये फोटो यहाँ से जो आपको दिख रही होगी जी, ये पूरा नक्शा छप गया था इसका,
इसके ऊपर सुबह बहुत सारे लोग भी आए थे देखने के लिए। तो इसी दीवार पे हुआ था, इसी दीवार पे हुआ था, पोस्टर लगा हुआ था, मीडिया भी आई थी, उन्होंने। तो ये देख सकते हो 2014 में दरगाह शरीफ में हुआ था ये करिश्मा, ये जिंदा करामत है बाबा जान। और ये 800 साल पुरानी हस्ती है, कम से कम 800 साल पुरानी। गरीब नवाज के साथ आए हुए बुजुर्ग हैं। हाँ, क्या बात है, नवाज के साथ आए हुए बुजुर्ग हैं। अच्छा, जैसे हाँ। जिंदा सामदार जिन्होंने चिल्ला किया था वो हाँ मकनपुर चले गए, हाँ तो ये उन्हीं के सिलसिले से है। अच्छा जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या चीज है? ये सिजरा है मदार आलम इनका, ये सिजरा है इनका, सिजरा शरीफ है ये। सिजरा में समझा नहीं, जैसे कि कुछ और लोग होते जो आधा धर्म को समझ नहीं पाते। इनके वाले साहब, इनके दादा, इनके परदादा जो भी है सबका नाम मौजूद है उसके अंदर। अच्छा, सिजरा मतलब नाम सबका मौजूद है। अच्छा, मतलब कह सकते कुंडली एक तरीके से बोला जाए। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू है पूरा सिजरा, जिससे पूरा। क्या बात है, माशाल्लाह। तो ऐसे यहाँ से शुरुआत हुई है, तभी ये चिराग यहाँ से। तो यहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ, जितनी भी शाखे निकली थी सब यहाँ से निकले हुए। और ये सारे जहाँ जहाँ शहरों में फिर बस गए। अच्छा अच्छा, वहीं पे खिदमत अंजाम दी और वहीं पर क्या बोलते हैं। और एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जो जितने भी खिदमत गुजार मौजूद है, जो खादिम मौजूद है, ये इनके आल औलाद में से है, मतलब ये साहबजादे हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा जी, बताइए। मदारुल आलमीन के चिल्ले हिंदुस्तान के अंदर 1442 चिल्ले हैं। जिंदा सा मदार के 1442 चिल्ले, क्या बात है जी। ये बुजुर्ग है जिस सिलसिले से, हाँ, उनके 1442 चिल्ले हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या बात है, सुबह पंजाब के अंदर मौजूद है, पंजाब के अंदर इबादत करी थी। तो इन्होंने जहाँ पे इबादत करी थी, इनका भी चिल्ला पंजाब के अंदर मौजूद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हुआ, पंजाब भी जाएंगे और आप लोगों को चिल्ला शरीफ इनका दिखाएंगे। और अभी आप लोगों को थोड़ा प्रोग्राम जो हो रहा है, जो पूरा होता है, क्या क्या रस्म रिवाज निभाई जाती है, वो पूरी जानकारी करके बाहर बताते हैं। तो गाइस, फाइनली आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत प्यारा माहौल हो चुका है। ये पूरा रात माहौल यहाँ पे चलता है और कल सुबह ये पूरा लंगर जब तैयार हो जाता है तो पूरा दिन भर ये लंगर चलता है। ये हलीम मनाया जा रहा है और आप देख सकते हो जैसे अजमेर शरीफ दरगाह में डेक बनती है, वैसे यहाँ पे बाबा मुराद अली शाह में भी क्या बोलते हैं डेक बनती है। तो चलो ऊपर चल के आप लोगों को डेक कैसे तैयार होती है पूरा दिखा देते हैं। और हमारे जो भाई है, सहयोगी है, वो उनके साथ में, और इंशाल्लाह इनके बारे में और भी जानकारी करूँगा। मकनपुर दरगाह भी जाऊँगा, वहाँ पर जाकर के और भी अच्छी खूबसूरत सी प्यारी सी वीडियो बनाऊँगा। तो ये कितने बजे खिलाते हैं? ये सुबह 8 बजे से चालू हो जाएगा, ये सुबह 8 बजे से लंगर आम चालू हो जाता है। सुबह नल्ला, ये देखिए सारी चीजें मिक्स कर करके इसको बनाते हैं और सुबह लंगर आम चालू हो जाता है। बहुत पूरी शाम तक चलता है, पूरी शाम तक चलता है। और आस पड़ोस के सभी गांव, जैसे कि यहाँ नंदी है, झाकरिया है, हाँ, और भी 4-5 गाँव, सभी गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं। क्या बात है माशा, ये देखिए सुबह नल्ला क्या रोड है। मोहर्रम जब बनता ना, हाँ, जो मोहर्रम बनता है, जो हमारी गुजारिश है आपके लिए लंगर चालू हो गया, आप अपना अपना लंगर ले लें। ये पेड़ है ना? हाँ, ये पेड़ जी काफी अर्सों से, हाँ, जैसे पहले लाना आज ही। तो ये अच्छा, मतलब ये पेड़ बहुत पुराना है, इनके टाइम से 800 साल से पहले का पेड़ है। क्या बात है माशाल्लाह। और ये बरौड़ी है, मोहर्रम ठंडे किया जाता है। अच्छा, यहाँ के जो मोहर्रम, और पूरी रात यहाँ पर महफिलें बनाई जाएंगी। क्या बात है माशाल्लाह। जो आप बावड़ी देख रहे थे, ये बावड़ी कहा जाता है कि मतलब यहाँ पर ताजे को ठंडा किया जाता है जो मुहर्रम के समय में। और माहौल देखो कितना प्यारा हो गया माशाल्लाह। तो चलो चलते हैं मलंग बाबा, लोगों से आप लोगों को मिलवाता हूँ मैं। तो देख सकते हैं ये डेक तैयार हो रही है और काफ़ी प्यारा माहौल है यार, खूबसूरत मंदिर। अभी भी लंगर चल रहा है क्या?
तारीख 16 तारीख से लंगर शुरू हो जाता है। ये तो हमारे मस्त कलंदर झूलेलाल बाबा लोग आ चुके हैं। मस्त कलंदर शहबाज कलंदर शहबाज कलंदर दादा मुराद की चादर दादा मुराद की चादर दमदार 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 हाँ भाई ये सारे हमारे मलंग लोग आ चुके हैं। कहते भागी बढ़िया। तो हमारे मलंग लोग आ चुके हैं हक मोइन। तो अभी पहले कहाँ गए थे फिर उसके बाद कहाँ गए? अभी हम गए थे तारागढ़ सैयद मीरा हुसैन साहब के व्रत करने। हाँ के व्रत करके वहाँ से पूरी जमात लकी तकी सरकार में आई जी। और वहाँ से व्रत का कुल की रस्म अदा करने के बाद आज जमात दादा मुराद अली के व्रत में चादर में कल कुल में शामिल रहेगी। क्या बात है माशाल्लाह। और इसके बाद अब कहाँ का प्लान है? इसके बाद गगवाना जाएंगे सुब्राती बाबा। सुब्राती बाबा गली बाबा। मतलब जो मलंग लोग होते हैं टिकते नहीं कहीं पर चलते रहते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की नहर रहमतों का दरिया है। हाय हाय सुभान अल्लाह। तो मतलब आप कहीं रुकते नहीं है बस जहाँ पे उर्स शुरू चलना है क्योंकि मलंग लोग तो भाई चलते रहते हैं रुकते नहीं कहीं पर। तो मतलब आप हिंदुस्तान के हर एक कोने में जाते हैं। तो गाइस फाइनली आज हम हमारे मलंग मस्तान लोगों के साथ बैठे हैं। कई लोग इनको बाबा बोल देते तो बाबा गलत है, ये मलंग है ये मस्तान है भाई, ये चलते रहते हैं। और आप लोगों ने देखा कि मैंने कहा था हमारे सुई भी चुप जाएगी ना हमारे दास। कहते ना एक ऐसा कुरान की आयत पढ़ लेते हैं ये किनको दर्द होता जी। बाबा बताइए कि मैं आपकी खिदमत में जब हाजिर होता हूँ या मैं कोई भी वीडियो कैप्चर करता हूँ तो बताइए। नहीं आंखों देखा हाल जो आँख से देखा जाते हैं जी जी जो आँख से देखा जाते हैं मानना सनातन मुस्तकीम जी हैं जी। हमारे बाबा भी आए जी ये मदरसा हमारे मदार सिलसिले के सरगिरोह है। ये हमारे रफाइयों का है बानवा है नीचे ऊपर खत्म लो इधर उधर रावल किला उड़ीसा। रावल किला उड़ीसा माशाल्लाह। कितने साल से आप आते हो? 65 साल से आ रहा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। ये सरकार का करम नहीं तो क्या है? से आ रहा हूँ। क्या नाम है बाबा आपका? अच्छा बाबा आप लोग आँख वाला जो आप करते हैं ये आप कैसे कर लेते? आपको दर्द नहीं होता और क्यों करते ये? हाँ दुनिया वाले हाँ आँख मार के पटाते हाँ दुनिया को हाँ और हम रब को पटाते आँख निकाल के। ये देखिए बाप मकराने के रहने वाले उत्तराखंड में काला ढोंगी में आस्थाना हमारा बहुत बड़ा और 30 तारीख को रेस होने वाला है। जिस भाई को भी आना जलवे यहाँ के देखो मजा आएगा यहाँ भी और वहाँ भी। तो गाइस पानी लगा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो एंड छोटा भाई को सपोर्ट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके शहर में आऊँ और आपके शहर में भी आकर के ऐसी खूबसूरत सी प्यारी सी वीडियो बनाऊँ, तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो और मैं आपके शहर पे भी आकर के आपकी वीडियो बनाऊंगा। और अभी मुझे किसी भाई ने अमरोहा बुलाया क्योंकि वहाँ पे जो बिच्छू वाली दरगाह बहुत ज़्यादा फेमस है अमरोहा में, उनका अरूस है, तो वहीं के लिए निकला हूँ। तो मैं देवा शरीफ, बरेली शरीफ, मकनपुर दरगाह, ये सारे बदायूं शरीफ सारे होते हुए आऊँगा आपके शहर पर लखनऊ।